वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भारत में SCO के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा भारत के दौरान साइड लाइन पर मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा आइंदा माह गोवा जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भारत में SCO के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा भारत के दौरान साइड लाइन पर मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा आइंदा माह गोवा भी जाएंगे। तो यह अहम तरीन दौरे के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भारत में SCO के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा भारत के दौरान साइड लाइन पर मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा आइंदा माह गोवा भी जाएंगे। इसी पर तफसीलात लेंगे, हमें ज्वाइन किया मज़हर इकबाल ने। मज़हर, इस दौरे के हवाले से बताएगा और ये दौरा कितना खुश आइंद साबित हो सकता है दोनों मुल्कों के दरमियान? ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इस अर्से के बाद पाकिस्तान की तरफ से क्वाला शख्सियत जो है उसके भारत जाने का ऐलान किया गया है। शिगाई तामन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है मई में और वजारत ख़ारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़ारा बलोच ने इस बात का ऐलान किया है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी शिगाई तामन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे और वो इस हवाले से आइंदा माह गोवा जाएंगे। एक वक्त भी उनके अमराज जाएगा। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोनों मुल्कों के हवाले से और ऐसा लग रहा है कि जैसे मौजूदा हुकूमत जो है वो हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है उसके हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भारत के साथ। और ये देखना होगा कि इस दौरे के आइंदा क्या नतज होंगे। ये अपने तौर पर ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा जो है वो भारत जा रहे हैं, ये ऐलान किया है जी वजारत खारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़ारा बलोच ने। जी ठीक है, बड़ी अहम डेवलपमेंट ये, बहुत शुक्रिया मज़हर इकबाल, आपने हमें अपडेट किया।